अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। हाँ, ये बाग देख के तो आपका आइडिया हो ही गया होगा कि आज की वीडियो किस पे है। व्लॉग जो आज का वो है हमारा ग्रेप फ्रूट यानी कि चकोतरा, ये इसका बाग है। यहाँ पे नदीम गए थे, ये इनके किसी कुलीग का था बाग, अच्छे फ्रेंड का, तो मैंने बोला था कि साथ मुझे ले जाएं, लेकिन वहाँ पे फैमिली अलाउ नहीं थी, तो ये मैं फिर इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यह माशाल्लाह देख सकते हैं बाग कितना बड़ा है, कितनी जगह पे ये इन्होंने बाग की ग्रेप फ्रूट की है काश्त। और माशाल्लाह ग्रेप फ्रूट्स भी काफ़ी लगे हुए हैं, बड़े एक पौधे को काफ़ी तादाद में ग्रेप फ्रूट्स जो है वो लगे हुए हैं। तो जितने खूबसूरत ये देखने में लग रहे हैं, इतने ही ज़्यादा अच्छे और फ़ायदेमंद हैं इनके जो है ना, वो जो फ़ायदेमंद हैं ये हमारी सेहत के लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ये आपके चेहरे को ग्लो करने के में, ग्लो देने में हेल्प करता है, और मैदे के लिए बहुत अच्छा है, आपके खून की सफाई के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। ये अगर कुछ लोगों को खाने में थोड़ा सा तुर्श लगता है तो वो इसका जूस बना सकते हैं। जूस में ये काला नमक या थोड़ा सा अगर ये इनको खट्टा लगे या कोई और चीज़, तो हनी या चीनी भी अपनी टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो इसके माशाल्लाह बहुत ही फ़ायदे हैं ग्रेपफ्रूट के। ये मौसम सरमा का फल है, और इसकी जो अब जो है ना तुड़ाई शुरू हो गई है इनकी, इस फूल फल की, सॉरी फूल कह रही हूँ, इस फल की तुड़ाई अब शुरू हो गई है। मार्केट में काफ़ी टाइम पहले आ गया था, लेकिन हमारे एरिया में जो है ना वो इसकी इस मंथ में के लास्ट, मतलब सितंबर की 15-16 तारीख के बाद इसकी जो तुड़ाई है ना वो स्टार्ट हुई है। तो ये गए थे नदीम इधर, और उन्होंने इनके जो फ्रेंड हैं वो इनको हर मतलब के साल ये गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट के तौर पर ये देते हैं चकोतरे। तो ये बाग में गए थे तो इनकी इसकी वीडियो रिकॉर्ड की, और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है ये लग रहे, देखने में भी इतने खूबसूरत है, और इनके माशाल्लाह फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप खाने की वजह से मतलब स्किन पे ग्लो लेना चाहते हैं लेकिन आपको ये खाने में बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि मुझसे ये खाया नहीं जाता, तो आप क्या करें कि इसको दरमियान में से काट लें, तो उसके ऊपर शहद या चीनी डाल के उसका अपने फेस पे स्क्रब करें, तो इससे बहुत अच्छा बहुत मज़ेदार वाला जो है ना वो रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ से आप बागे नदीम की वीडियो स्टार्ट होगी, रूटीन की बातें, तो यहाँ से आप वो इंजॉय करें। थैंक यू। तेरी भी आज फिर की है। शुक्रिया जनाब, मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। ਜੋ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਏ ਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦਾ।